વાપીની હાર્ડનેસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા ઉપાસના સ્કૂલના હોલમાં ધ્યાન ઉત્સવનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આજના યુગમાં મનુષ્ય પોતાના કામોમાં એટલો વ્યસ્ત હોય છે કે તે પોતાના શરીરની તંદુરસ્તી પર પણ ધ્યાન આપી શકતો નથી. આવા વ્યક્તિઓ તણાવ મુક્ત અને તંદુરસ્ત રહે તે માટે વાપીની ઉપાસના સ્કૂલના હોલમાં હાર્ડનેસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા ધ્યાન ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈ સહિતના અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. Every human being on this earth is meditating. It is as normal as breathing. Why? आपको पता चलता है 500 ग्राम हवा अंदर गई और सवा 500 ग्राम बाहर आई. जब तक 25-30 तो एकाध जगह तो कोई ना कोई ध्यान पे परिचर्चा या बात चल रही है. There will be every. नमस्ते. ध्यान उत्सव हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की ओर से वापी में जो आयोजन किया गया है वो ध्यान उत्सव के पीछे का रहस्य जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को इस उत्सव के माध्यम से जानकारी मिले. हार्टफुलनेस ये ध्यान उत्सव पिछले 2 महीने से कर रही है और विश्व के सभी जगह में ध्यान उत्सव का आयोजन हो रहा है. भारत में भी कई जगहों पे ध्यान उत्सव का आयोजन हो चुका है और आने वाले समय में भी ध्यान उत्सव का आयोजन होने वाला है. ध्यान उत्सव पीछे का कारण हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट श्री रामचंद्र मिशन को जो 75 साल पूरे हो रहे हैं 2020 में 2020 में जो 75 साल पूरे हो रहे हैं उसी के सेलिब्रेशन में ध्यान उत्सव का आयोजन पूरे विश्व में किया जा रहा है. हार्टफुलनेस 130 देश में फैला हुआ है. हार्टफुलनेस के फिलहाल जो गाइड है जो चौथे गाइड है कमलेश जी पटेल जिसको हम प्यार से दाजी कहते हैं वो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं. वापी सेंटर पिछले 25 साल से यहाँ पे कर रहा है और लोगों को वापी सेंटर में ध्यान का लाभ हार्टफुलनेस की ओर से मिल रहा है. ध्यान उत्सव वापी के अंदर 3 दिन का आयोजन किया गया है. 29, 30 और 31 तीन दिन यह ध्यान का जो वर्कशॉप है उसका आयोजन किया गया है. ध्यान उत्सव में 3 दिन के अंदर हम हार्टफुलनेस के 4 टूल्स का इंट्रोडक्शन करवाएंगे. फर्स्ट डे जो है वो रिलैक्सेशन और मेडिटेशन यानी शीतलीकरण और ध्यान. जब तक आप शीतल नहीं रहेंगे तब तक आप ध्यान नहीं कर पाएंगे. दूसरे दिन स्फूर्तिकरण है जो सफाई कहा जाता है. सफाई के माध्यम से हमारे अंदर स्फूर्ति आती है तो स्फूर्ति की पद्धति बताई जाती है. और तीसरे दिन जो है वो स्तोत्र से जुड़ना यानी कनेक्ट योर ओन सेल्फ जो प्रार्थना के माध्यम से. प्रार्थना हम ज्यादातर एक एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं पर ध्यान उत्सव में प्रार्थना का एटीट्यूडनल डेवलपमेंट किया जाता है. हमारा भाव उत्पन्न किया जाता है ताकि हम सूत्र से जुड़े. तो इन 3 दिनों में हम सभी वापी के वासियों को आमंत्रित किया है और उनको 3 दिन का लाभ देने का मौका दे रहे हैं. और हम यह ध्यान उत्सव वापी में अलग अलग क्षेत्र में करने वाले हैं ताकि आसपास के लोग आसानी से जहाँ पे भी ध्यान उत्सव किया गया हो उसका वो लाभ ले सके. यह पहला ध्यान उत्सव GIDC में रखा गया है और हम यह ध्यान उत्सव में हम श्री कनुभाई देसाई सीमा बेन गाला और माँ फाउंडेशन के CEO अमित मेहता के बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को करने के लिए प्रोत्साहित किया है.